गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। एंड टुडे आई विल बी टीचिंग यू कोलन काइमा टिश्यू। एंड एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि मैंने मेरे प्रीवियस क्लास में मैंने क्या क्या किया था। इन माय प्रीवियस क्लासेस आई डिड अप टू पैरेन्काइमेटस टिश्यू। आप लोगों को पता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके तीन प्रकार के टिश्यू है, जो कि है आपके पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलन काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। टुडे वी विल बी डूइंग विद द कोलन काइमा टिश्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज कोला मीन? लाइक लेट मी ब्रेक इट डाउन एंड लेट मी डिफाइन इट टू यू। तो मैं इधर लिख रही हूँ कोला, कोला एंड काइमा। तो जो ये कोला है, ये सिंपली दर्शाता है ग्लू। ये क्या है? ये ग्लू है। एंड एंड काइमा मतलब टिश्यू है। कोला मतलब ग्लू है, एनकाइमा मतलब टिश्यू है। सो कोला एंड एनकाइमा, कोला जो है ये ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ये जो कोला है ये है ग्लू एंड एनकाइमा इज टिश्यू। तो नेम इट्सेल्फ आपको बता रही है कि जो कोलन काइमा है वो उसके अंदर कुछ ऐसा ग्लू मटेरियल्स पाए जाते हैं जिनके कारण से वो एक प्लांट को उनके मैकेनिज्म एंड सपोर्ट करने में वो कोलन काइमेटस टिश्यू हेल्प करता है। नाउ मेरे पास एक डायग्राम था लेकिन एक्चुअली मैं बना नहीं पाई। वट एवर, आई विल शो इट टू यू। तो दिखाती हूं मैं एक चीज आपको कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी यू नो लाइक स्टॉर्म वगैरह आती है तब जो ट्री होता है वो क्या सारे गिर जाते हैं, ठीक है, कई सारे ट्री गिर जाते हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए रहते हैं, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि एक पतला सा एक वो है लाइक टेंड्रिल या फिर नॉट टेंड्रिल एक्चुअली प्लांट टाइप है, जब भी आंधी आई तब क्या हो रहा है वो ऐसे फिर ऐसे ऐसे बेंड होता है लाइक दे विल बेंड। ये बेंड होता है अप टू सॉइल तक, दे बेंड होता है ऐसे करके बेंड होता है। ऐसा एक प्लांट है तो इधर बेंड हो रहा है इधर बेंड हो रहा है, लेकिन वो टूट के नहीं गिरता। नाउ ये जो बेंडिंग कैपेबिलिटी है, ये जो आपका बेंडिंग का जो कैपेबिलिटी है ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका नथिंग बट कोलन काइमेटस टिश्यू। ये जो बेंडिंग कैपेबिलिटी होता है कि एक ट्री है वो एक बार ऐसे बेंड हो रहा है, एक बार ऐसे बेंड हो रहा है, तो ये जो लेफ्ट राइट से बेंड हो रहा है और टूट नहीं रहा है वो किसके लिए हो रहा है? कोलन काइमेटस टिश्यू के लिए। किसके लिए हो रहा है वो? कोलन काइमेटस टिश्यू के लिए। नाउ कोलन काइमेटस टिश्यू जो है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब देखो कोलन काइमा में, जैसे कि मैंने पहले वाले में आपको बोला था कि जो कोला है वो मतलब ग्लू है। अभी आप सोचोगे कौन सा ग्लू, ठीक है, कभी भी कुछ भी चीज अगर टूट जाती है, मानो कि अगर ऐसा मैंने तोड़ दिया तब ग्लू से उसको लगाने की कोशिश करते हो। सिमिलरली कोलन काइमा में भी कुछ ग्लू या फिर आप कह सकते हो कुछ सेल्युलोस टाइप चीजें पाए जाते हैं जो कि है हेमिसेल्युलोस, पेक्टिन जैसे मटेरियल्स। ये जो हेमिसेल्युलोस पेक्टिन जैसे जो मटेरियल्स है वो आपके एकदम लीफ के जो स्टॉक है ठीक है उधर पाए जाते हैं। तो ये जो हेवी सेलुलोज और पेक्टिन कुछ ग्लू टाइप के होते हैं, चिपचिपा टाइप्स। एंड ये जो ग्लू जो कि आपका हेवी सेलुलोज पकड़ लो मानो पेक्टिन है, वो स्टेबिलिटी देता है, वो सपोर्ट देता है एक प्लांट को, एक उसके स्टेम को, लीव्स को, ताकि वो टूट के गिर ना जाए। वो बेंड होगा, ठीक है, वो अपने आपको इस समय पता है कि जो प्लांट है वो हमारे तरह मूव नहीं कर सकता, ठीक है,
वो जो है दे आर स्टेशनरी, दे आर स्टेशनरी. तो अगर वो स्टेशनरी है तो जब भी आंधी तूफान कुछ भी आया दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ दे यूज और बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू जो कि प्रेजेंट है प्लांट्स में, उसके लिए वो क्या होता है, वो बच जाते हैं. अब देखो ये जो कोलेनकाइमाटस टिश्यू है वो मेनली आपके डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं, मेनली आपके डाइकॉट्स में पाए जाते हैं एक्चुअली. एंड मोनोकॉट में आपका ज्यादा नहीं मिलता. मोनोकॉट जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल पढ़ोगे आप इसके बारे में, मोनोकॉट मतलब मेज हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, देन मोनोकॉट मतलब उनमें एक ही कॉटिलेडन है. अगर दो कॉटिलेडन होगा तो वो डाइकॉट है. अगर एक कॉटिलेडन होगा, कॉटिलेडन क्या है भाई, देखो अब मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ इसमें, ऐसा टाइप का कुछ होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ होता है रूट वाला टाइप. ये रीजन होता है प्लम्यूल का, ये रीजन होता है रूट का रेडिकल, एंड ये है कॉटिलेडन. ये जो कॉटिलेडन है ये स्टोरेज, फूड स्टोरेज टिश्यू है. क्या ये, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, इसमें नहीं है. तो ये जो मोनोकॉट में पाए जाते हैं ये कोलेनकाइमाटस टिश्यू. एंड मैं आपको क्या बताने वाली थी, हाँ, तो अभी आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे. तो हम लोगों ने पहले वाले में जैसे कि मैंने बताया था पेरेनकाइमाटस टिश्यू में कि वो लोग जो है, वो लोगों में जो जो सेल्स है दे आर लूजली पैक्ड, द सेल्स आर लूजली पैक्ड मतलब उनमें स्पेसेस है, उनमें खाली स्पेसेस है. लेकिन ये कोलेनकाइमाटस टिश्यू में स्पेसेस आर वेरी लेस, ठीक है, आपको बेहद कम, मतलब मैं आपको एक चीज दिखा रही हूं, आपके एनसीईआरटी बुक खोलिए आप, आपको दिखने को मिल जाएगा एक डायग्राम, अगर आपको दिख रहा है तो एक दिखने को मिल जाएगा एक डायग्राम जिसमें है कि ये दिख रहा है आपको कहीं पर भी सेल्स का, कहीं पर भी आपको स्पेस दिख रहा है. मैंने पेरेनकाइमा में मैंने बनाया था कि ऐसा एक होता है, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, तो इधर खुले खुले स्पेसेस थे जो कि मैंने ब्लू मार्क्स है. इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो देन आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू वॉच दिस वीडियो. तो आपके थोड़ा सा ये रिलेटेबल होगा. लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या देखा, आप लोग बुक निकालिए एंड द पेज नंबर इज 71. इसमें है आपके बी नंबर डायग्राम के 2 वाले में कि इसमें आपको कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा है, देयर आर नो स्पेसेस, इधर कोई स्पेसेस है ही नहीं. एक वैक्यूल दिया हुआ है, सेल वॉल तो होता ही है. एंड एक जो मेन थिंग है कि मानो मैं एक बना रही हूं, बेहद मतलब गंदा ड्रॉइंग बनेगा थोड़ा सा, ऐसा टाइप्स होके ऐसा होता है मानो कि एक सेल है, ठीक है, वैक्यूल है इधर मानो, एंड इधर ये आपका कॉर्नर है जो कि मैं रेड कलर से मार्क कर लू, ठीक है. अब आपको दिखने को मिलेगा कि ये जो आपका रेड कलर का मैंने जो मार्क किया, ये जो पार्ट है जो लीफ के जो साइड कॉर्नर जो पार्ट है वो थिक है, वो क्या है, वो इरेगुलरली वो थिकेंड है. देखो आपके बुक में दिया हुआ है कि द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग elongated and irregularly thickened at the corners. Now, ये जो है ये irregularly thickened है corners में. ये corner है, मानो leaf का corner है, वो thick है. वो क्या है, thick है. वो क्यों thick है, because of presence of, अभी मैंने बताया था, hemicellulose and pectin. ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक plant के leaf के base को और stem को खड़े रहने में या फिर बेंडिंग होने में, ताकि वो टूट के ना गिरे, उसको एक स्टेमिना या फिर कह सकते हो सपोर्ट देने के लिए ये थिक है. ठीक है, इनमें ये हेमिसेलुलोज और पेक्टिन प्रेजेंट है. नाउ इनका जो सेल्स है कोलेनकाइमा का जो सेल्स है दे आर लिविंग. कोलेनकाइमा का जो सेल्स है दे आर लिविंग. वो क्या है, वो जिंदा है, वो मर नहीं गए, दे आर लिविंग. ओके, दे आर लिविंग. कोलेनकाइमा का जो सेल्स है
सेल्स आर लिविंग. देखो आपके बुक में भी दिया हुआ है, मैं बुक भी ले रही हूं ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो. सो द लीव स्टॉक, ओके देखो ये जो सेल्स है ये लिविंग है एंड इलोंगेटेड. आपको वो सेकेंड वाले पिक्चर में मिल जाएगा कैसे वो इलोंगेटेड है. एंड जो तीसरी वाली बात है कि वो ये है कि जो सेल्स है वो तो लिविंग है ही, ठीक है, वो तो लिविंग है ही. और मेन जो पार्ट है कि ये लीफ, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो है ये लीफ स्टॉक में पाया जाता है. लीफ स्टॉक बिलो एपिडर्मिस. तो अब बुक नहीं चाहिए हमें क्योंकि ड्राइंग वाला पार्ट गया. तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो आपका लिफ, ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू वो कहाँ पाए जाता है. हमने देखा था कि पेरेनकाइमा कहाँ पे मिलता है, कोलेनकाइमाटस जो टिश्यू है वो लिफ स्टॉक में पाया जाता है क्योंकि वो लीफ, मेनली वो लीफ और स्टेम को सपोर्ट देता है. वो मेनली किसको सपोर्ट देता है, लीफ और स्टेम को, क्योंकि वही मेन पार्ट है ताकि लीफ भी गिर ना जाए और स्टेम भी टूट के अगर गिर गया तो पूरा प्लांट बचा ही नहीं, ठीक है. तो वो स्टेम और लीफ के बेस को वो हेल्प करता है सपोर्ट देने में. कौन? कोलेनकाइमा टिश्यू. व्हाई? व्हाई इट हैज दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी? बिकॉज इट हैज ग्लू लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड हेमीसेल्युलोज एंड पेक्टोज और पेक्टिन विच हेल्प देम टू गिव सपोर्ट, विच हेल्प कोलेनकाइमा टिश्यू टू गिव सपोर्ट टू द लीफ एंड स्टेम. तो कभी भी जो ब्रांचेस है, ठीक है, स्टेम है, वो टूटेगा नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना हो. हाँ कभी कभी तो गिर जाती है बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट रेसिस्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजास्टर. आप ट्राई कर सकते हो बचने का, लेकिन बट नहीं, हम लोग शेल्टर वगैरह लेते हैं बट समटाइम वो भी चुक जाता है. सो या हम अपनी तरफ से कुछ करते हैं, प्लांट्स भी अपने तरफ से जितना कोशिश करते हैं, वो लोग की कोशिश करते हैं वो अपने आप को बचा के रखे, ठीक है. सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू. कोलेनकाइमा टिश्यू में कभी कभी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, कभी कभी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. एंड ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, मैंने बता दिया कोला मीन्स ग्लू एंड काइमा मीन्स टिश्यू. समटाइम वी रीड अ टॉपिक, समटाइम हम लोग टॉपिक को पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बट एक्चुअली बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी का जो नेम है उसी में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो छुपा रहता है. सो लाइक एस जस्ट यू, कोला मीन्स ग्लू, जहां पर आपको मिला क्या मिला, राइट, हेमी सेल्यूलोस एंड पेक्टिन, ठीक है, जो कि आपके जो इरेगुलर थिकनिंग है वो कॉर्नर्स में लिफ के, वो इन दोनों के लिए होते हैं. सो कोलेनकाइमा के बारे में आपके एनसीईआरटी में भी इतना नहीं दिया हुआ है, सो आई विल नॉट गो डीपर दैट मच. मैंने बताया बहुत कुछ, मोनोकॉट का बताया काफी है, एंड इतना तक ठीक है, चलता है. एंड इतना ही है कोलेनकाइमा के बारे में. अभी तो कॉम्प्लेक्स वाले में हम लोग और भी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. लाइक आई जस्ट फॉरगॉट इट. सो लाइक एंड शेयर इट. थैंक यू एंड कीप रिटर्निंग टू माई चैनल. We'll be right back.